मैं पानी पानी हो गई अगर तुम कहा। आज के लिए यही मेरा रूम है और यही पे मुझे ऑर्डर लेना है। थैंक यू सो मच। रो रही हूँ? हाँ बहुत ज्यादा। कहाँ से रो रही हूँ यार? हसो, हसो। कुछ भी बोलते हो। मिल नहीं रही है। बाथरूम। हेलो नील हर्ट्स, तो कैसे हैं आप सब? बहुत बुरे हैं हम लोग। गाइस, आज की वीडियो में मैं मचाने वाली हूँ धूम, क्योंकि आज 24 आवर्स मैं रहने वाली हूँ इन अ सीक्रेट रूम। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है गाइस, क्योंकि आज हम देखेंगे कि मेरी मम्मी मुझे 10 मिनट्स के अंदर ढूंढ पाती है या नहीं। बट उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दो, बिल्कुल मुफ्त 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 है। गाइस, अगर आपने 100 के लाइक्स कर दिया ना, तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगी मेरे सिस्टर के साथ, तो कर देना ठीक है। सो गाइस, आज मेरे घर पे मम्मी नहीं है, मतलब मम्मी गई है मेरे सिस्टर के साथ कॉलेज की कुछ फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसी मौके का फायदा उठा के आज कुछ तूफानी करते हैं। And guys, इस कहानी में है एक छोटा सा ट्विस्ट। मम्मी ने अगर मुझे 10 मिनट के अंदर ढूंढ लिया ना, तो उनके लिए है इतना बड़ा सा एक गिफ्ट। इसके अंदर क्या है अभी दिखाती हूँ। So guys, आप देख ही सकते हो यार, ये वाला गिफ्ट तो मेरे से भी कितना ज्यादा बड़ा है यार। तो चलो इसको ओपन करते हैं, मम्मी तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाएगी इसको देख के। गाइस, अनकंफर्टेबल मैट्रेस पे सोने से ना मेरी मम्मी को बहुत बैक पेन का प्रॉब्लम होता था, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया है ऑर्थोपेडिक मेमोरी फोम मैट्रेस फ्रॉम zigfit.co। गाइस, हम जब भी शोरूम से फर्नीचर या मैट्रेस खरीदते हैं, हमें बस थोड़ी देर के लिए ट्राई करने के लिए मिलता है एंड उसके बाद खरीदना पड़ जाता है। बट zigfit आपके लिए शोरूम को घर पे लाएगा। आप सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए नहीं, इसको 100 डेज के लिए ट्राई कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ ट्राई एंड बाय, यू गेट टू बाय एंड ट्राई बट विद द सेम फ्लेक्सिबिलिटी। गाइस, मैट्रेस का टच एंड फील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड जब भी हम शोरूम से बाय करते हैं ना, हमें बस कुछ ही मिनट मिलता है राइट मैट्रेस चूज करने के लिए। गाइस, आप इसको खरीदने के बाद 100 डेज के लिए ट्राई कर सकते हो एंड देन अगर आपको पसंद ना आए, देन इसको रिटर्न भी कर सकते हो एंड आपको कोई भी क्वेश्चन बिना पूछे पूरा रिफंड मिल जाएगा। बट ये मैट्रेस इतना ज्यादा ही अच्छा होता है कि ओनली 3% पीपल रिटर्न द प्रोडक्ट। इसके 3 लाख से ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज हैं एंड 1 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं। गाइस, ये नेक्स्ट जनरेशन मेमोरी फोन से बना हुआ है जो कि आपकी बॉडी की शेप को अडेप्ट कर लेता है। इसमें 7 प्रेशर जोन लेयर है जो कि एयर सर्कुलेशन को इनेबल करता है टू कीप यू कूल एंड इसका हाई रेजिलियंस लेयर एक फॉर्म बेस प्रोवाइड करता है जिससे आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है। सो गाइस, मेरा कूपन कोड यूज जरूर करना क्योंकि आपको मिल जाएगा 40% ऑफ ऑन द मैट्रेसेस। तो चलो यार, अभी मम्मी के लिए सरप्राइज तो रेडी कर ही लिया है, मम्मी बहुत खुश हो जाएगी, बट उससे पहले हमें सीक्रेट रूम भी तो बनाना है, तो चलो जल्दी से बना लेते हैं। So guys, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे घर में कौन से छुपने की जगह है। तो यार, सबसे पहले तो है वॉशरूम। मैं वॉशरूम के अंदर छुप तो सकती हूँ बट आई एम श्योर कि मम्मी को पता लग जाएगा। फिर मेरे सामने है ये वाला फ्रिज। मैं फ्रिज के अंदर ऑलरेडी रह चुकी हूँ 24 आवर्स। मम्मी को वो भी पता है, बहुत ज्यादा डांट पड़ा था बट ये भी पता चल जाएगा, तो ये भी कैंसिल है। अगर आपने देखा नहीं है वो वीडियो, देख लो यार जाके। तो किचन के अंदर ये जो ये सारी जगह होती है ना, इन जगहों में भी मैं रह सकती हूँ, शायद फिट भी आ जाऊंगी, बट बहुत ज्यादा सफोकेटिंग सा लगेगा यार, बहुत गर्मी भी है अभी। ये नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे भी रह सकती हूँ बट यार मम्मी को दिख ही जाएगा। और तो और, ये जो सोफा है बड़ा सा, इसके नीचे भी जगह है, यहाँ पे भी रह सकती हूँ, बट हमारे पास बेटर ऑप्शंस है गाइस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये जो रूम है ना, ये है एक स्टोर रूम जिसके अंदर कोई भी इंसान नहीं रहता है, ठीक है। इधर आओ, थोड़ा दिखा दो, बिल्कुल स्टफ्ड है, मतलब स्टोर रूम जिसको आप बोल सकते हो ना, एक्चुअल में ये है स्टोर रूम। और मैं प्रॉमिस करती हूँ मेरी मम्मी सबसे पहले ये वाला रूम में ही मुझे ढूंढने वाली है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल चांस नहीं है। और इधर मैं मैं रहने वाली हूँ इस रूम में। गाइस, क्या आपको यहाँ पे कोई छुपने का जगह मिल रहा है? ये सबेरे सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? ये वाला जो क्या बोलते हैं इसको, वार्डरोब, इसके अंदर मैं छुप सकती हूँ बट नहीं छुपने वाली हूँ। कौन सी जगह पे मैं छुपने वाली हूँ दिखा दूँ? आ जाओ यार, आपसे क्या छुपाना। तो मैंने सोचा है मैं छुपूंगी यहाँ पे। ये क्या है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि मेरी मम्मी
बिल्कुल भी सोच पाएगी कि मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। बट प्रॉब्लम एक है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, बट फिर भी गाइस ये जो जगह है देख रहे हो, यहाँ पे मैं अपना घर बसाने वाली हूँ आज। तो चलो इस जगह को करते हैं सबसे पहले डेकोरेट। तो ये रहा मेरा झूला जिसके ऊपर मैं हर रोज बैठ के झूलती रहती हूँ, झूलती रहती हूँ, झूलती रहती हूँ। बट आज वैसा बिल्कुल नहीं है गाइस, आज मैं इसे झूल नहीं सकती। मुझे इसको खींच खींच के सर उठाना पड़ेगा और मेरा हालत तो आप देख ही सकते हो। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाइस मुझे ना बचपन से बहुत ज्यादा शौक था कि मैं भी कभी गार्डनिंग करूं, बट वो तो मुझसे हुआ नहीं, इसलिए मैंने फेक मैट्स लगा के घर ही में पार्क बना लिया। देखो यार कितना प्यारा लग रहा है। ये जो पर्दा है ना, अभी के लिए मैं इसको हटा के रखती हूँ, बट मम्मी आने से पहले इसको हम फिर से यहीं पे रख देंगे। गाइस यहाँ पे इतना ज्यादा धूप है कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब लिटरली लग रहा है कि मेरा बॉडी जल रहा है। मैं भी विश कर रही हूँ कि काश काश मैं जादू होती और मुझे धूप से खाना मिलता। तुम क्या खाते हो? मुझे तो धूप से खाना भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ पसीना आता है यार। कितना मेहनत करके मेकअप किया था, सारा कुछ बह गया। मैं पानी पानी हो गई। ओवर एक्टिंग की औलाद। तो चलो सजा लेते हैं हमारी ग्रीन हाउस को। गाइस आपको तो पता ही है कि मैं बहुत बड़ी फेक लड़की हूँ, इसलिए मेरे प्लांट्स भी सारे फेक है मेरी तरह। और आपको तो पता है मुझसे कोई काम होता नहीं है, इसलिए दूसरों को भी काम करवाना पड़ता है और मार भी खाना पड़ता है यार इसलिए। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? So guys, आप तो देख ही सकते हो मैंने कितने अच्छे से मेरे रूम को डेकोरेट कर लिया है यार। बट ये रूम कम और गार्डन ज्यादा लग रहा है ना। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। इतना सारा काम करते करते ना मैं बहुत थक गई हूँ, और जब भी मैं थक जाती हूँ मुझे बहुत जोर की भूख लग जाती है। तो मैं फाइनली पिज्जा ऑर्डर करने वाली हूँ जोमेटो पे, और वो भी मेरी सीक्रेट रूम के एड्रेस से। लगता ये पागल हो गया। तो देखते हैं यार जोमेटो वाले भैया आएंगे या नहीं। सो गाइस मेरा जोमेटो देखो खून गिर। सो अभी फाइनली मेरा जोमेटो का ऑर्डर आने वाला है, एंड मैंने इस ग्लास को बंद करके रखा है, तो वो आएगा फिर मैं ओपन करूंगी एंड बुला लूंगी। देखते हैं सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? सो गाइस देख ही सकते हो आप उधर जाके डिलीवरी दे दीजिए, क्या है इस रूम में डिलीवरी करना है। आज के लिए यही मेरा रूम है और यही पे मुझे ऑर्डर लेना है। थैंक यू सो मच। मुस्कान की चमकान कहीं और। Oh my God! यार अंकल तो डर ही गए होंगे कि हम इतने सारे कैमरा लगा के कर क्या रहे हैं यहाँ पे। बट यार पिज्जा आ गया हमारा, अभी हम पिज्जा पार्टी करेंगे। तो करना। गाइस यार अंकल बहुत ज्यादा स्वीट थे इसलिए मैं उनको थोड़ा सा टिप भी दे देती हूँ, उन्होंने मुझे खुश कर दिया। यार ये कितनी औसम है यार। अभी खाना खाते हैं। So guys, आ गया है मेरा यमी यमी चीजी पास्ता पिज्जा। दिल को करार आया। तो खा लेती हूँ। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। कहानियों के नगर में तुम्हें लेके जाऊं अगर काफी टाइम हो गया है बट मम्मी तो अभी तक आने का। ठीक है ले लो। इतना दुख क्यों है तुम्हारे जीवन में, इतना दुख कैसे आया? मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। इतना अच्छा रूम एक दुख है, एक दुख है कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। रो क्यों रहे हो? रो रही हूँ। हाँ बहुत ज्यादा।
कहाँ से रो रही हूँ यार, कुछ भी बोलते हो। ऐसा क्यों रो? रोया मैंने भाई साहब, मैं नहीं रो रही। तुम रो रहे हो, कसम से बोल रहा हूँ। मैं रो ही नहीं रही हूँ। चुपचाप। मैं नहीं रो रही, मैं नहीं रो रही। जाओ। चुप हो जाओ, मत रो। तुमको पिज़्ज़ा खिलाएंगे, जाओ। ठीक है। फिर भी रो रहे हो तुम? और क्या चाहिए था? अच्छा, बॉयफ्रेंड को ढूंढ के देंगे। थैंक यू। फिर भी रो रहे हो? अभी अभी इसको दिखाएंगे इसका असली फुटेज कैसे हो। दिखाओ। कैसे रो रहे हैं तो देखो। ये क्या है? नो 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 नो। गाइस, शाम को ना मैं बैठ के बहुत बोर हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा भूल भुलैया 2 देख लेते हैं। बट यार मुझे तो डर ही लग गया। क्या आपने भूल भुलैया 2 देखा है? तो कमेंट में बताओ मुझे, और नहीं देखना यार। अरे मत करो, ऐसे डर रही हूँ यार। अभी अभी मैंने नीचे से देखा कि मम्मी आ रही है, एंड मुझे अभी छुप जाना है, तो मुझे जल्दी से छुपा दो। और ये लाइट ऑफ करना पड़ेगा, लाइट जल्दी से ऑफ करो। पूरा एकदम एकदम सील कर दे रहे हैं मेरे को। पर्दा भी लगा दो, पर्दा भी लगा दो अच्छे से एकदम। ये वाला ज्यादा नहीं रखो। मेरा जो लाइट है वो दिख नहीं रहा है ना बाहर से? कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, हम जा रहे हैं। टाटा। पूरा खोल के रखे हैं। गाइस आपको क्या लगता है कि बड़ा हरामी हो बेटा? वो आ गया, देखो देखो वो। कैसे हो? अच्छी। आ गए। नीलांजना मिल नहीं रही है। कहाँ नीलांजना? मिल नहीं रही है। क्यों? पता है, मतलब मिल रही है मतलब इसी घर में है, इसी फ्लैट में है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है। हम लोगों को नहीं मिल रहा है, आपको ढूंढना पड़ेगा। इसी फ्लैट में है। तेरे बाप की शादी है कह रहे? खेदे कासे अभी खुशते पड़ बोना। अरे क्यों, ढूंढो तो सही। तुम्हें देखते ही पता चलता कि तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है। अगर आप ढूंढ देते हो तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा, वो भी 10,000 रुपीज का। हम, मेरे ऊपर विश्वास है ना, मेरे ऊपर यकीन है ना। विश्वास है, यकीन है। क्यों ढूंढेगी? आप अगर ढूंढोगे तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा। यही एक्चुअली आज वीडियो बना रहे, तो आपको ढूंढना पड़ेगा उसको। चलिए ढूंढिए। आपको हिंट्स दे दे रहे, ये जो घर है ना, ये पूरा घर के अंदर ही कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है, आपको ढूंढना पड़ेगा। चलिए ढूंढिए, 10 मिनट है आपके पास टाइम। ठीक है? है, ठीक है। कहीं भी हो सकते हैं, आप ढूंढिए जल्दी। नहीं, लॉक करके हो सकता है, आपको ढूंढ लीजिए। 10 मिनट है आपके पास, ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका गिफ्ट मिस हो जाएगा। आपका बाथरूम। जल्दी ढूंढिए, जल्दी ढूंढिए। 10 मिनट है आपके पास, 10 मिनट, बस 10 मिनट है आपके पास, 10 मिनट। कितना मिनट? 10 मिनट भी टाइम नहीं मिला क्या यार? 10 मिनट भी टाइम नहीं मिला? नहीं, 2 मिनट के अंदर ढूंढ दिया। हाँ यार मम्मी, स्वीट मम्मी यार, कैसे पता चला इधर? घर आंटी का है ना, आंटी को पता है हर कोना कोना। मैं हार गई, हार गई। क्या अभी तुमको गिफ्ट देना पड़ेगा आंटी को। कैसा लगा इसका घर? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो रहन दो फिर। मम्मी सुनो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तो तुम्हारी बेटी जब जीतती है तो तुम जीतते हो ना, तो तुम्हें तो क्या करना चाहिए था? तुम्हें मुझे जिताना चाहिए था ना। तुम्हारा जिताना चाहिए। तो क्यों नहीं जिताया मुझे? तो मेरे को तो मालूम नहीं है, मेरे को तो ढूंढने बोला है। तो तुम क्यों ढूंढना? तुमने मालूम होता तो तुम नहीं ढूंढते ना। है, नहीं ढूंढता। देखा गाइस मेरी मम्मी कितनी अच्छी है। तालियां होनी चाहिए यार तुम्हारे लिए। तो चलो तुम्हें अभी दिखाती हूँ तुम्हारा गिफ्ट। ठीक है, बहुत बड़ा गिफ्ट है जो कि आप लोगों को पता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है? लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाँ जी, तो जरूर कर दीजिए। बिल्कुल मुफ्त, मुफ्त, मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। तो चलो मैं मिलती हूँ।
वो बहुत बुरा किया आपने मेरे साथ। लाओ मेरा गिफ्ट देती हूँ, चलो। गिफ्ट के लिए स्माइल देखो आंटी का। तो कैसा लगा ये गिफ्ट? बहुत अच्छा।